एडीसी बदलवा साहब, तहसीलदार साहब, मंजूर साहब, हमारे यहाँ पे गुरुपुर प्रिंसिपल साहब, सुपरिटेंडेंट जेल साहब, जगह के और लोग यहाँ पे आए हुए साथी के यूथ हैं, जो टॉपिक्स एडीसी साहब ने सिलेक्ट किए हैं, मैं समझता हूँ उनके बाद बहुत कम है इन सबको डिस्कस करने के लिए। मैं सिर्फ ये दो टॉपिक्स को टच करके आप लोगों से उत्सव दूंगा। पहले तो जैसे हमारा ड्रग्स का है, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके लिए, खासतौर से यूथ उसमें इन्वॉल्व हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस खासतौर से रेंज पुलिस हेडक्वार्टर का एक मिशन है, समझेंगे जिसको हम कहते हैं, उसके तहत हम आप लोगों को सुनते हुए आए थे। मैं चाहूँगा जो पीछे हमारे बच्चे बैठे हैं थोड़ा खामोशी तैयार करें और ये बात भी सुन लें कि हमारे भद्रवाह में, जैसे हमारे साथी ने कहा इससे पहले, कि ड्रग्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रही है यूथ की। आप भी देखते होंगे कि इसमें हमारी दो अप्रोच बहुत ज़रूरी है, एक तो हमारी प्रिवेंटिव अप्रोच है, एक हमारी क्यूरेटिव अप्रोच है। क्यूरेटिव अप्रोच तो हम करते हैं, बच्चे लगाते हैं, उनको पकड़ते हैं, थानों में बंद करते हैं, जेल्स में बंद करते हैं, लेकिन जो जो प्रिवेंटिव अप्रोच है वो घर से स्टार्ट होगी, आपके पीयर ग्रुप से स्टार्ट होगी, आपका जो सोसाइटी है जिसमें जो रहने वाले लोग हैं उनसे स्टार्ट होगी। पेरेंट्स जो हैं खासतौर से उनका बहुत, अब यहाँ पे तो सिर्फ यूथ आए हैं, मैं चाहूँगा कि अगली बार कोई ऐसा इंटरव्यू सेशन हो जिसमें पेरेंट्स ही आए। पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ को करने में, जो ये ड्रग्स का मैंने हमारी सोसाइटी में बढ़ रहा है। हमने इस सिलसिले में एक बड़ा ही मुनासिब काम किया है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि हमारा जो शिकंजा है, जो ड्रग पैडर्स हैं या जो विक्टिम्स हैं, उनका कंज्यूमर जो है वो विक्टिम्स हैं, उनके ऊपर कैसे हम उनको रिहैबिलिटेट करते हैं, कैसे जो ड्रग पैडर्स हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। आप लोग जो हमारे एन जी ओज हैं, अभी तो पहले सारे यहाँ बैठे थे, अभी उनको देख नहीं पा रहा हूँ, तो हमारे जो ये हमारी ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो हमारे एन जी ओज हैं और यूथ है पर्टिकुलरली, उनको आगे आना है। ब्लैंक गेम जो हमारे यहाँ पे होती है ना, जो हमारे दोस्त हैं आके हम एक दूसरे से सबक लेने के लिए, नंबर गेम बनाने के लिए, तो उससे तो काम नहीं चलेगा। हमें एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे के साथ मिलके हमें स्मूथनेस क्रिएट करनी है, ना कि फ्रिक्शन क्रिएट करनी है। ये बहुत ही एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, ना सिर्फ भद्रवाह के लिए लेकिन पूरी रियासत के लिए जो हमारी यूटी है और पूरे देश के लिए, क्योंकि इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से भी जुड़ता है। जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसकी भी ये साजिश है कि यहाँ के यूथ को बिल्कुल डिफंड किया जाए ड्रग्स से इन्वॉल्व करके। डेवलपमेंट प्रोसेस जो है हमारी मुल्क का, हमारी यूटी का, वो उसको बिल्कुल रोक दिया जाए। तो यूथ हमारा जो है इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता उनके शिकंजे में आ रहा है। मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स हैं, हमारे दोस्त हैं जो यहाँ बच्चे हैं, वो भी अपने दोस्तों का ध्यान रखें कि उनके दोस्तों की एक्टिविटीज़ क्या है। पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें कि उनके बच्चों की एक्टिविटीज़ क्या है। अगर कहीं पे उनको कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ पर रिपोर्ट एक्टिविटी लगती है तो इमीडिएटली उसको रिपोर्ट करें, पुलिस को रिपोर्ट करें, उनके पेरेंट्स को रिपोर्ट करें, जो सोशल हेल्प ग्रुप से उनको रिपोर्ट करें। ड्रग्स को जो एक होलिस्टिक अप्रोच, मेरे एक दोस्त ने यहाँ पे पहले कहा, होलिस्टिक अप्रोच बहुत ज़रूरी है, सबकी इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़रूरी है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो सोसाइटी है, हमारे जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, या जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, हमारे यहाँ पे अंजुमन है या सनातन धर्म है, या इस तरह के जो भी ग्रुप्स हैं, सोशल हेल्प ग्रुप्स हैं, सबकी इसमें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए ताकि ये एक सब मिलकर इस जो हमारी बीमारी है उसको खत्म किया जा सके।
दूसरा जो हमारा इस वक्त बर्निंग मसला है जिसपे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो दौर है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी क्राइम के बीच घूमेगा, वो है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम, आप लोगों में से कितने लोग मोबाइल चलाते हैं, बच्चों से पूछा जाए लोगों में कितने लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, हाथ खड़ा करें। लेकिन तकरीबन सभी पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन एक ऐसा डिवाइस है जो कि साइबर फ्रॉडस्टर जो है, साइबर क्रिमिनल जो है, उनके लिए मॉडस अपॉर्चुनिटी है फ्रॉड करने का। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे उनके काम करने के और फ्रॉड करने के तरीके हैं। कभी आप देखते हैं आपको मैसेज आता है कि आपका सिम ब्लॉक होने वाला है, आप ये डॉक्यूमेंट्स दें या ये वो, इस स्लिप पे क्लिक करें, इस नंबर पे फोन करें। फिर आप जिनको पता नहीं है, जो अवेयर नहीं है, जो पीछे बच्चे बैठे हैं, आपको बड़ी बात सुना चाहेंगे तो खामोशी से तो बड़ी अच्छी बात है, जिनको नहीं सुना है तो काइंडली बाहर चले जाए। तो आपको इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि आपका सिम ब्लॉक होने वाला है, आपको आप ये खाने नंबर पे ये नंबर दिया होता है या कोई लिंक दिया होता है, लिंक पे बच्चे नहीं है इन्वॉल्व, उसमें बड़े ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, केएएस ऑफिसर्स, सीपीएस ऑफिसर्स, हर एक इसमें जो है उसके साथ फ्रॉड होता है। नहीं समझ पाते हैं, अवेयरनेस की कमी है बहुत ज़्यादा, हम लोग टेक्सटाइल नहीं है, हमें इस चीज़ का पता नहीं है। और ख़ास तौर से हमारी जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनके साथ भी इस तरह का फ्रॉड होते हैं। वो शर्म के मारे या बाकी और किसी वजूहत के बताना नहीं चाहती हैं, लेकिन मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपके नज़र में आपके साथ में आपके किसी रिलेशन के रिलेटिव के साथ, किसी दोस्त के साथ, किसी सहेली के साथ इस तरह का कोई फ्रॉड होता है, तो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करें आप। हमें साइबर पुलिस स्टेशन बनाए हैं, साइबर सेल्स बनाए हैं, पुलिस स्टेशन हैं, हमारी लैब्स हैं, दिन रात में काम करते हैं। सिर्फ आप लोग रिपोर्ट करने की देर है, आप रिपोर्ट करें। बदरवा में जब मैं आया, मेरे आने के बाद यहाँ पे तकरीबन 5 केस ऐसे रिपोर्ट हुए जो साइबर, उसमें वीडियो कुछ हैं वो भी वायरल हुए हैं, कुछ बैंक फ्रॉड से केस हैं। तो इसमें हम सबको इसको मिलजुल के इसका एक तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जब तक हम लोग अवेयर नहीं होंगे तो तब तक हम इस चीज़ से बच नहीं पाएंगे। तो क्या होता है कि जब आप एटीएम में जाते हैं तो आपको खास ख्याल रखना है, जब एटीएम कार्ड आप इंसर्ट करते हैं तो एटीएम क्लोनिंग एक आता है, एटीएम आपका क्लोन भी हो सकता है। जो भी फ्रॉडस्टर है ये क्या करते हैं, एक तो एटीएम के नीचे एक चिप लगाते हैं, वो मॉडस अपॉरेंटी है, उनका टेक्निकल चीज़ है। सिर्फ आप ये कहें कि जब आप एटीएम अपना यूज़ करते हैं, एक तो पिन पासवर्ड आपका जो बिल्कुल कोई देख रहा था, वहाँ पर कोई खड़ा हो सकता है, कोई बैंक का गार्ड हो, एटीएम गार्ड हो, कोई हो, अपना पासवर्ड बिल्कुल सिक्योर रखना है, जो आपका पिन है, एटीएम पिन है, वो बिल्कुल सिक्योर रखना है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपका एटीएम पिन क्या है। एटीएम क्लोन होता है, अब आप देखेंगे क्लोन कैसे होता है, क्लोन ऐसे होता है जैसे हम डुप्लीकेट एटीएम बना लेते हैं, उसी नंबर का, उसी जो भी उसका सीवीवी नंबर होता है, वो जो कार्ड नंबर होता है उसी कार्ड नंबर का एक नया एटीएम बनाया जाता है। आपका एटीएम आपके पास है लेकिन उसी की तरह का दूसरा एटीएम भी बन चुका होता है, आपको उसके बारे में नहीं होता। फिर आप घर पहुँचे, आप देखते हैं 10 साल पे करके 20 साल पे कर दिए तो करे जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, इससे बचने की सिर्फ ये है, ये तकलीफ है कि आप जब भी एटीएम पे जाएं, चेक करें, प्रॉपरली चेक करें कि कहीं उसके नीचे कोई जब एटीएम जो आप उसमें इंसर्ट करते हैं, जिसमें एटीएम वहाँ कोई स्लिप कोई लगी है कोई, उसमें जब तक उसमें ग्रीन लाइट ना आए तब तक आप उसको यूज नहीं करना है। ग्रीन लाइट आएगी उसके बाद ही यूज करना है, ग्रीन लाइट आने के बजाय यूज नहीं करना है। और आपका जो पिन है, एटीएम पिन है, वो सिक्योर हो, वो सिक्योर होगा तो आपका बैलेंस जो है, आपका बैलेंस जो है उतना ही रहेगा जितना आप चाहते हैं, नहीं तो फ्रॉडस्टर उससे पैसे निकालता रहेगा। फिर क्या होता है, एक और किस्म का फ्रॉड है कि आपका फेसबुक का अकाउंट, फेसबुक का तो सभी चलाते होंगे, आपका फेसबुक का अकाउंट कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, आपका डीपी वगैरह लेके, डीपी वगैरह लेके और उसका ने आपके वो आपके नाम से ले आते हैं, एक फेक अकाउंट बना लेता है। फिर आपके फ्रेंड्स को मैसेज करते हैं कि भाई मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ, मैं बड़ी एमरजेंसी में हूँ, इसका मेरे इसका फादर का, मदर का, बीवी का, भाई का, किसी का ऑपरेशन है, तो मुझे इतने पैसे डालो। तो आप कॉल करते हो उसको, कहते हैं मैं कॉल नहीं कर पाऊँगा, मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ, मैं भाई में डॉक्टर के साथ हैं, तो मैं समझता हूँ अगर मुझे आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, क्योंकि ये बड़े बड़े इश्यूज हैं, थोड़ा सा इसमें
जो पैटर्न है उससे होगा, दूसरा आपका उसके साथ अपना मोबाइल लिंक करना है। जब तक कोई आपका हैक, अगर कोई हैक करने की कोशिश करेगा, पासवर्ड तो आपका खोल देगा वो, लेकिन आपका अगर मोबाइल नहीं होगा तो जब तक ओटीपी उसके पास नहीं होगा वो आपका अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएगा। अपने अकाउंट को सिक्योर कीजिए, अपने व्हाट्सएप को सिक्योर कीजिए, अपने जितने भी पासवर्ड स्ट्रांग रखिए। पासवर्ड से ज्यादा आजकल पासफ्रेज आता है, पासफ्रेज आप स्ट्रांग रखिए। पासफ्रेज से मतलब यह है कोई एक सेंटेंस रखिए पासवर्ड की जगह। पासवर्ड में हम लोग क्या करते हैं, इजी करने के लिए अपना नाम रख लेते हैं, बच्चों का नाम, भाई का नाम, मदर का नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ रख लेते हैं ताकि हमें इजी याद रहे। लेकिन जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो बहुत, उनके पास आपका सारा डेटा होता है, वो बहुत तेज होते हैं, वो आपसे एक कदम आगे चलते हैं। तो आपको पासवर्ड से बेहतर है कि पासफ्रेज रखा जाए। पासफ्रेज से ये मतलब है कोई सेंटेंस रख ले, कोई ऐसा सेंटेंस रख ले जो किसी के दिमाग में नहीं आए, उस तरीके का सेंटेंस पासफ्रेज। आजकल बहुत सारी ऐप्स हैं जिसमें आपको अपर कॉलम, लोअर कॉलम, स्पेशल कैरेक्टर से वो रखने हैं, वो आप बीच में इंसर्ट करके पासफ्रेज बना सकते हैं। उससे आपका अकाउंट थोड़ा सिक्योर हो जाएगा और डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी इसमें हो जाएगी। इसमें आपके कैरेक्टर लेटर सके, स्मॉल लेटर सके, ये बाकी चीज़ें जो हैं वो ये हैं। अपना स्मार्टफोन जो है वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है या आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये किसी के साथ शेयर करते हैं। कोई आपको कहता है मुझे फोन करने के लिए ये दे दे, फोन दे दे, फोन करने के लिए कभी किसी को मत दे। अगर किसी को देना भी है इमरजेंसी में तो उसके पास में अपने सामने फोन करवाए। पासवर्ड एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका पर्सनल डाटा है, फोन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका पर्सनल डाटा है। आपकी हर एक चीज, आपके फोटोग्राफ्स, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, ब्लैकमेल हो सकती है। हमारे बच्चे जाते हैं फॉर्म्स वगैरह भरते हैं साइबर कैफे में, बाकी जगह उसमें क्या होता है, जैसे आपका आधार कार्ड है, आपके बाकी आईडीज हैं, वो उनका भी मिसयूज हो सकता है। तो जब आप अगर खुद भर रहे हैं तो आप एक चीज इंश्योर करेंगे भरने के बाद वो ब्राउज हिस्ट्री जो है वो क्लियर कर दें ताकि आपका कोई कार्ड उस कंप्यूटर में ना आए जो पब्लिक कंप्यूटर होते हैं। और क्या होता है, जब आप अगर आपका वो जहाँ लड़का होता है जो वहाँ पे जो दुकान शॉपकीपर होता है अगर वो भर रहा है तो आप इंश्योर करें कि वो आपके सामने उस ब्राउज हिस्ट्री को क्लियर करें, आपका जो डाटा है उसको बिल्कुल बिल्कुल वहाँ से क्लियर करें। आपका अगर कोई आई कार्ड है, आधार कार्ड है, फेक से निकाल सकता है, कोई उसमें फेक अकाउंट बना सकता है, उस अकाउंट से फ्रॉड कर सकता है किसी के साथ, तो नाम फिर आपका आएगा, फंसेगे आप। सिम आपका मिसयूज होगा तो फंसेगे आप। आधार कार्ड पर तो आजकल ई वेरिफिकेशन होती है, ई केवाईसी होता है, बैंक अकाउंट बनाना हो तो उसमें तो कोई इतनी दिक्कत की बात है नहीं। उससे सिर्फ क्या करना है, आधार कार्ड लेना आपका, फोटो लगा देना किसी का, नाम तो आपका ही रहेगा, एड्रेस आपका रहेगा। तो पूरी अकाउंट हमारा पब्लिक होता है, हम लाइक्स के चक्कर में, कमेंट्स के चक्कर में रील्स बनाते हैं, अपने फोटोग्राफ शेयर करते हैं, लेकिन अकाउंट हमारा पब्लिक है। ऐसा बिल्कुल मत करें, अकाउंट अपना प्राइवेट रखें। आपको कोई पता नहीं आपको कौन देख रहा है, आपके फोटो कौन वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर रहा है, आपके फोटो का कहाँ मिसयूज हो रहा है, कहाँ मार्क करके आपके फोटो भेजे जा रहे हैं। कल आपको खुदा ना खास्ता ऐसा मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप पे कि आपका ये फोटोग्राफ है, उसको मार्क करके नीचे बॉडी किसी की होगी और फेस आपका होगा, आपको कह दीजिए आप कितने पैसे हमें डालो तो आपको हम ये वाला जो है फोटो पब्लिक कर देंगे। इसमें गलती सरासर आपकी है, आप अपना अकाउंट प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, अपना अकाउंट सिक्योर नहीं करते हैं। लाइक्स के चक्कर में, कमेंट्स के चक्कर में आप अपना अकाउंट बिल्कुल ओपन रखते हैं जिसको हर बंदा देख सकता है। वो बहुत जरूरी है कि आपने अपने अकाउंट को बिल्कुल प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो लड़का है और चाहे वो लड़की है। मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप यूथ हैं, आप इस चक्कर में अगर आएंगे तो ये एक बहुत ये ब्लैक कलर के हाथ में आप खेलते रहेंगे। बहुत सारी बातें हैं, जैसे मतलब अब मैं यही कह रहा था कि इस साल का हुक्म था कि इसमें ये प्रॉफिट बोलेंगे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ साइबर के बारे में बात की है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसके बारे में बहुत कम बात होती है। जहाँ भी मैं जाता हूँ ड्रग्स के ऊपर, ठीक है ड्रग्स बहुत बड़ी एक बीमारी है, लेकिन ये भी जो साइबर भी है आने वाले वक्त में, आज भी आप देखेंगे कि हर क्राइम की शुरुआत जो है वो साइबर क्राइम से होती है। हर क्राइम का स्टार्ट जो होता है वो साइबर क्राइम से होता है, चाहे वो किसी भी किस्म का क्राइम हो। फोन जो है बेसिक एलिमेंट है हर क्राइम का, कोई किसी को कॉल करता है, कोई कोई किसी को बुलाता है, कोई किसी का
कोई कैप्चर करता है, हैक करता है, हैकिंग से बचने के लिए आपको तो वही मैंने कहा कि आपको पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है अपना, अपने हर एक किस्म का फ्रॉड, किसी भी किस्म का, जैसे आपको कोई मैसेज आता है, कोई लिंक ऐसे नहीं खोलना है, किसी कोई ऐप डाउनलोड नहीं करनी है, किसी नंबर पे कॉल नहीं करनी है, किसी भी किस्म का QR कोड आता है कोई स्कैन नहीं करना है, QR कोड आपको डालते रहते हैं डालेंगे वो OLS का जो चीज आते हैं वहाँ पे बिल्कुल फ्रॉड से बचना है, और आपने इस चीज से बिल्कुल मुताद रहना है, अलर्ट रहना है ताकि वो साइबर फ्रॉड से जो है साइबर क्रिमिनल जो है वो कामयाब ना हो सके।